हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, डेटा हैंडलिंग। हेयर आर सम डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स विकी एंड रचित सॉ इन द जू। सो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रही हैं जो विकी और रचित ने जू में देखे हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विकी एंड रचित सॉ इन द जू, देन फिल इन द टेबल। सो आपको यहाँ पे इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ये टेबल फिल करनी है। तो आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको इस फिगर में उस एनिमल को, उस बर्ड को काउंट करना है कि कितने एनिमल्स हैं वहाँ पे, कितनी बर्ड्स हैं वो वाली, और उनको यहाँ पे आपको फिल करना है। डेटा कलेक्शन। वी कलेक्ट मैनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर सराउंडिंग्स। दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा मेक्स आर वर्क ईजियर। तो हम अपने सराउंडिंग पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जिसे हम डेटा बोलते हैं। ये डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं हम? इस डेटा को कलेक्ट करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यश वेंट टू अ पार्क विद हिज मदर। तो यश एक पार्क में गया अपनी मदर के साथ। देयर ही सॉ मेनी फ्लावर्स। वहां पे उसने काफी सारे फ्लावर्स देखे। ही नोटेड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन हिज नोटबुक। ही मेड अ टेबल फॉर इट। तो उसने बहुत सारे फ्लावर्स देखे, उनको उसने अपनी नोटबुक में नोट किया कि कितने फ्लावर्स देखे, और उनके लिए टेबल उसने बनाई। उसने कलर्स देखे फ्लावर के, रेड कलर, ब्लू, वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स देखे। और कितने फ्लावर्स थे? रेड कलर के 15 फ्लावर्स थे, देन ब्लू कलर के 10 फ्लावर्स थे। दिस टेबल मेड बाय यश इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। सिमिलरली वी कैन कलेक्ट मोर डेटा फ्रॉम आर सराउंडिंग्स। इसी तरीके से हम अपने सराउंडिंग्स में और भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यश रिप्रेजेंटेड द डेटा इन द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। तो यश ने इस डेटा को पिक्टोग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया। उसने कलर ऑफ द फ्लावर्स लिखे यहाँ पे, रेड, ब्लू, व्हाइट, पिंक, इस तरीके से कलर्स लिखे, और नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए उसने उन फ्लावर्स को ड्रॉ किया, पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ किया। तो उसने यहाँ पे इस तरीके से रोजेस ड्रॉ करे, रेड फ्लावर ड्रॉ करे, ब्लू फ्लावर्स ड्रॉ करे, तो उसने यहाँ पे फ्लावर्स ड्रॉ करें। वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लुकिंग एट द पिक्टोग्राफ। तो इस पिक्टोग्राफ को देख के आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो। विच काइंड ऑफ फ्लावर्स वर मैक्सिमम। सबसे ज्यादा फ्लावर्स कौन से थे? तो हम इस पिक्टोग्राफ को देख के, ऑब्जर्व करते ही हम सीधा बता सकते हैं, सबसे ज्यादा पिंक कलर के फ्लावर्स थे, तो यहाँ पर लिखा पिंक फ्लावर्स। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टॉक टू द पीपल अराउंड यू अबाउट योर फेवरेट स्वीट्स एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब आपको क्या करना है, आपके अराउंड, आपके नेबरहुड में जितने भी लोग हैं, आपको सबसे बात करनी है, उनकी फेवरेट स्वीट्स आपको पूछनी है, और उस के अकॉर्डिंग टेबल में फिल करना है। आप फेवरेट स्वीट्स में आप मिल्क केक पूछोगे, काजू कतली पूछोगे, रसगुल्ला एंड देन लड्डू पूछोगे, और कितने लोगों की वो फेवरेट है उसको आप यहाँ पे फिल करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन के आंसर दोगे। आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर फैमिलीज एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स से उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछना है कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसको यहाँ पे टेबल में फिल करना है। कितने लोगों की फैमिली में 1 मेंबर है, कितने की में 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना। आपको बताना है किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितनी फैमिलीज में, और कौन 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 सी बिगेस्ट फैमिली है, कौन सी फैमिली में सबसे कम मेंबर्स हैं, कितनी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, और कितनी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमने सीखा, उसको रिप्रेजेंट करना सीखा हमने टेबल की फॉर्म में, और पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।